प्रदेश के सकते हैं एमपी न्यूज तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आने से पार्टियों में श्रेय लेने की होड़ सीधी मची है। सिवनी जिले के डूडा बंदम मान जो करीब 8 करोड़ 12 लाख की लागत से बनाया जा रहा है का भूमि पूजन कांग्रेस के लखना दौन विधायक योगेंद्र सिंह के द्वारा 12 जुलाई को किया जाएगा। अब एक बार फिर उसी बांध का भूमि पूजन करने मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते पहुंचे। उन्होंने बांध का लोकार्पण किया। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चोरी छुपे उद्घाटन करने की प्रथा पहले से शायद मुझे लगता है कि ये अपनी समझ है, राजनीतिक समझ है। ये कार्यक्रम है, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था और ये जब निश्चित हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में जब हम भूमि पूजन कर रहे हैं तो निश्चित तौर से हम लोग कभी भी कोशिश करते हैं। अभी प्रत्यक्ष रूप से आप देख रहे होंगे उनका नाम लिखा है, उनके लोगों का नाम लिखा है। तो ये बात है, ध्यान में रहना चाहिए कि जब कार्यक्रम है, मैंने कहा कि घनसौर विकास खंड के जो भी कार्यक्रम है वो 16 तारीख को हम करेंगे और 13 तारीख को लखना दौन का हम कार्यक्रम भूमि पूजन करेंगे। ये तय हुआ था, प्रशासन से बातचीत करने के बाद तय हुआ। और ये अभी मुझे यहाँ आने के बाद ये पता चला कि विधायक जी ने नारियल फोड़ करके गए। अब पता नहीं उनने कहाँ फोड़ा है, मुझे तो पता नहीं, परंतु आज है विधिवत तौर से इस बंदम का जो सिंचाई जलाशय है 330 हेक्टेयर जमीन का, इसका भूमि पूजन आज विधिवत किया गया है। इसमें पहले शासक के मंशा के अनुसार हमारे क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर योगेंद्र सिंह बाबा जी द्वारा वहाँ पर शासन की स्वीकृति से, जिसमें माननीय SDO महोदय एवं उपेत्री महोदय दोनों उपस्थित, ये तो मात्र दिखावा किया जा रहा है। उधर अनूपपुर जिले में मध्य प्रदेश